ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। तो बेसिकली रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये क्या है? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, राइट? अब किसका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। जॉइंट का क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुआ विद मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। इसके साथ क्या होता है? मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हुआ जॉइंट का अलॉन्ग विथ मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। इसीलिए हम लोग इसको मेडिसिन में ज़्यादा तक डील करते हैं, बिकॉज यहाँ पे मल्टी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट? तो यंग फीमेल्स में बेसिकली 25 से 55 साल के फीमेल्स जो होती हैं मोर अफेक्टेड होती हैं। फीमेल्स का इसमें प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा हो रहता है, राइट? 25 से 55 साल की उम्र की महिलाओं में, ठीक है? क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे? हॉलमार्क फीचर्स के रहेंगे फ्लेक्सर टीनोसाइनोवाइटिस, राइट? फ्लेक्सर है ये, ठीक है, फ्लेक्सर कंपोनेंट, राइट? फ्लेक्सर का टीनोसाइनोवाइटिस हो जाएगा, ठीक है, टेंडन का इन्फ्लेमेशन, टेंडन और जॉइंट स्पेसिस का इन्फ्लेमेशन, राइट? तो उससे क्या होगा? रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो जाएगी। जितना तुम मूवमेंट पहले कर पा रहे थे, अभी जितना मूवमेंट कम कर पा रहे हो वो कम होगा। इसके ग्रिप जो होंगे, ग्रिप्स, ठीक है, ग्रिप उसके कम हो जाएंगे, ग्रिप भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। अभी फ्लेक्सर टीनोसाइनोवाइटिस हो गया तो फ्लेक्सर जो कंपोनेंट है वो ग्रिपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट? अभी ग्रिपिंग ही उसकी ढंग से नहीं है, तो ऑफकोर्स ये बात है कि ग्रिप की स्ट्रेंथ उसकी कम हो जाएगी। उसके अलावा क्या होगा? डिक्रीज ट्रिगर फिंगर्स भी कम होंगे इसमें, ठीक है? रेंज ऑफ मूवमेंट कम होगी, ग्रिपिंग स्ट्रेंथ कम होगी और ट्रिगर फिंगर कम होंगे, राइट? अभी ये क्या है, इसके अलावा इसमें इंसीडियस ऑनसेट होता है, फटीग, एनोरेक्सिया, वीकनेस इसके अलावा होता है क्लिनिकल फीचर्स में, राइट? इसके इंसीडियस ऑनसेट होगा तो फटीग होगा, बंदा हमेशा थका हुआ रहेगा, एनोरेक्सिया, उसको भूख प्यास नहीं लगेगी, ठीक है, वीकनेस होगी बंदे को, कहेगा बंदा कि भाई मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, फटीग है, एनोरेक्सिया है, वीकनेस है, राइट? ये क्या होता है? एक्यूट ऑनसेट होता है, बंदा जो होता है ये एक्यूट ऑनसेट का ये बीमारी है, राइट? इट्स अ काइंड ऑफ एक्यूट ऑनसेट ऑफ डिजीज, राइट? आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस की इसकी बात करते हैं तो बेसिकली ये बायलेटरल सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है ना? बायलेटरली दोनों साइड प्रेजेंट होगा, सिमेट्रिकली एक साथ प्रेजेंट आएगा, ठीक है ना? मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन वन आवर, ठीक है, मॉर्निंग स्टिफनेस, तुम सुबह उठे तुम्हारे हाथों में स्टिफनेस लगेगी, कहेगी हाँ दोनों हाथ मेरे काम नहीं कर रहे हैं आज, तो समझ जाना कि हाँ तुमको मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। अगर तुम लड़की हो तो ज़्यादा कॉमन है, लड़के हो तो हाँ समझ सकते हैं, ठीक है ना? सिम्टम्स डिक्रीज ऑन एक्टिविटी, तुम जितना ज़्यादा एक्टिविटी करोगे उतना ज़्यादा सिम्टम्स तुम्हारे डिक्रीज होंगे, ठीक है ना? क्योंकि जॉइंट का इन्फ्लेमेशन है, तुम अगर फ्लेक्सर टीनोसाइनोवाइटिस है तो जितना तुम मूवमेंट करोगे उतना कम होगा इन्फ्लेमेशन उधर पे, ठीक है? मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन वन आवर, ठीक? तो अगर 4 से कम जॉइंट इन्वॉल्व है तो ऑलिगो आर्टिकुलर है, और 5 से अगर ज़्यादा जॉइंट है तो पॉली आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट है, राइट? ये याद रखना। प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल मेटाकार्पोफेरेंजियल रिस्ट जॉइंट पेनफुल जॉइंट, यहाँ पे बेसिकली इधर वाले जॉइंट पिप एमसीपी और रिस्ट जॉइंट बेसिकली पेनफुल जॉइंट्स होते हैं, राइट? और यहाँ पे DIP जो है स्पेयर्ड रहता है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट वो स्पेयर्ड रहेगा। तो इसमें बेसिकली क्या बनेगा? स्वान नेक डिफॉर्मिटी इन द प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल विद फ्लेक्शन ऑफ DIP। तो DIP तो स्पेयर्ड है, लेकिन क्या होता है, इधर फ्लेक्शन होगा DIP का और यहाँ पे प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल पे डिफॉर्मिटी होगी, तो उसी को क्या कहते हैं अपन? स्वान नेक डिफॉर्मिटी कहते हैं, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल एंड फ्लेक्शन एट डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे, राइट? बटन होल डिफॉर्मिटी एक होती है इसमें, इसके अलावा स्वान नेक डिफॉर्मिटी प्रॉक्सिमल एट प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट DIP, फ्लेक्शन होगा DIP पे, राइट? बटन होल डिफॉर्मिटी देखोगे इधर पे, ठीक है ना? जेड लाइन डिफॉर्मिटी भी देख सकते हो, सबलक्सेशन ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट। अभी जेड लाइन डिफॉर्मिटी क्या है? अभी तुम्हारा मान ले कि सबलक्सेशन हो गया रेडियो अल्नर जॉइंट का, रेडियो अल्नर जॉइंट समझते ही हो यार, हाथ में होता है यार, सबसे यार तुम्हें नहीं, अगर रेडियो अल्नर जॉइंट आ जाएगा तो कुछ नहीं आएगा, ठीक है? तो अगर सबलक्सेशन हो जाएगा रेडियो अल्नर जॉइंट का ही, सबलक्सेट अपनी जगह से हिल जाए तो जेड लाइन डिफॉर्मिटी उसको कहते हैं। तुम अपने इसको एक्सरे पे थोड़ा सा जाए तो अपनी इसको फोटोज देख सकते हो कि जेड लाइन डिफॉर्मिटी ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट कैसा दिखता है, सबलक्सेशन कैसा दिखता है, देख लेना उसको जाके, ठीक है ना? बटन होल डिफॉर्मिटी, जेड लाइन डिफॉर्मिटी, पियानो की मूवमेंट ऑफ अल्नर स्टॉलॉइड, अर्नल स्टॉलॉइड का जो है पियानो की मूवमेंट होगा, मतलब ये हाथ है इधर, इधर रेडियल है, इधर अल्ना है, तो एक तरफ उठ जाएगा तो ऐसे ऐसे दबाओगे तो ये पियानो की अपीयरेंस देगा, ठीक है ना? पियानो की मूवमेंट होगा अल्नर स्टॉलॉइड का, राइट? स्टॉलॉइड मूवमेंट का बेसिकली, ठीक है ना? सर्वाइकल स्प्लाइन में एटलांटो एक्सियल डिसलोकेशन होगा और कंप्रेसिव माइलोपैथी होगी, राइट? तो जो तुम्हारा एटलांटो एक्सियल डिसलोकेशन है वहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वर्टेब्रा में, उसमें डिसलोकेट कर जाएगा, उसके अलावा तुम्हें कंप्रेशन माइलोपैथी देखेंगे। अगर मान ले कि वहाँ पे अगर तुमने स्पाइन जो है कंप्रेस कर गई, ठीक है, आपस में टीनोसाइनोवाइटिस हुआ, बीच की जॉइंट स्पेस कम हुई, तो क्या होगा? कंप्रेशन माइलोपैथी हो जाएगा, वहाँ पे कंप्रेस कर जाएंगे स्पाइन एक दूसरे के अगेंस्ट, और कम क्या होगा? कंप्रेशन माइलोपैथी हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ें होती हैं
क्या क्या, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, पियानो की डिफॉर्मिटी, और इसके अलावा तुम्हारा होता है जेड लाइन डिफॉर्मिटी, बटन होल डिफॉर्मिटी, सर्वाइकल स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, एटलांटो एक्सियल डिसलोकेशन, कंप्रेसर माइलोपैथी, राइट। अब इसके अलावा क्या क्या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस होते हैं, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस में आई में क्या देखोगे, आई में देखोगे केराटोस कंजक्टिवाइटिस, सिक्का, ड्राई आई, स्क्लेराइटिस, यूवीआईटिस। आई में क्या क्या देखोगे, केराटो कंजक्टिवाइटिस, सिक्का, ड्राई आई, स्क्लेराइटिस और यूवीआईटिस, ठीक है ना। क्या क्या देखते हैं इसमें, केराटो कंजक्टिवाइटिस, आंखें लाल एकदम रहेगी, सिक्का, केराटो कंजक्टिवाइटिस, बेसिकली ड्राई आई इसको कहते हैं, स्क्लेराइटिस और यूवीआईटिस हो सकता है। जितनी आईटिस वाली इन्फ्लेमेटरी कंडीशन तुम सोच सकते हो सर से लेके पैर तक, वो रोमेटॉइड की सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन है, ठीक है ना। और इसके अलावा स्क्लेराइटिस, यूवीआईटिस बता ही दिया, माउथ में जेरोस्ट्रोमिया, ड्राई माउथ हो सकता है। फिर आ जाओ तुम सीधा लंग में, लंग में प्लूरल इफ्यूजन देखोगे, प्लूराइटिस देखोगे ऑब्वियसली। इसके अलावा तुम इसके बाद तुम हर्ट में आ जाओ, प्लूरल इफ्यूजन और प्लूराइटिस देखोगे, आईटिस आ गया इधर भी। हर्ट में पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, सीएचएफ, एमआर, इशेमिक हर्ट डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, जो मेजर डिजीजेज हैं वो इसमें हो सकती हैं रोमेटॉइड के केसेस में, जैसे पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस। आईटिस वाली अगर तुम चीज़ें ज़्यादा लिखते हो ना तो एग्जामिनर ज़्यादा खुश होगा, क्योंकि उसको पता है कि तुम इन्फ्लेमेटरी से रिलेट कर रहे हो रूमेटॉइड को, क्योंकि बिकॉज इट्स अ सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन कॉज बाय रूमेटॉइड आर्थराइटिस, राइट, नॉट इज जस्ट अ कॉज ऑफ कि हाँ एक जगह कुछ हुआ तो उसका सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन आ गया, तो ये इन्फ्लेमेटरी मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसका ख्याल रखना, ठीक है ना। इसमें हार्ट डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, ठीक है। किडनी में क्या होगा, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, MGN का याद रखना है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी हो सकता है सेकेंडरी अमाइलोडोसिस के साथ, ठीक है, सेकेंडरी अमाइलोडोसिस भी हो सकता है इस बंदे को, ठीक है ना। बाकी जेनिटेलिया का मूवमेंट होगा तो हाइपोगोनाडिज्म हो जाएगी, ईस्ट्रोजन डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक है, हाइपोगोनाडिज्म, ईस्ट्रोजन कम होगा। स्किन में क्या होगा, लिबिडो रेटिकुलरिस हो सकता है, आई एम रियली सॉरी, लिबिडो रेटिकुलरिस हो सकता है, जो कि स्किन फिशनेट अपीयरेंस हम लोग कहते हैं लिबिडो रेटिकुलरिस। रेटिकुलरिस का क्या मतलब, फिशनेट का टाइप का आ रहा है लिबिडो रेटिकुलरिस, दैट इज फिशनेट अपीयरेंस, राइट। परप्यूरा हो सकता है, अल्सर हो सकता है, नोड्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। परप्यूरा मतलब कोएगुलोपैथी हो गया तो वही रैशेज, परप्यूरा ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस आएगी, परप्यूरा, अल्सर और नोड्यूल्स हो सकते हैं इसमें, PUN से याद कर लो, परप्यूरा, अल्सर, नोड्यूल्स, राइट। बोन्स में क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस होएगा बिकॉज यार हो सकता है यार रूमेटॉइड का वो सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन दे रहा है, ठीक है। तो क्या क्या शुरू से लेके आते हैं, आँख में क्या हो सकता है, केराटो कंजक्टिवाइटिस, सिक्का, यूवीआईटिस, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। फिर माउथ में जेरोस्ट्रोमिया, फिर आ जाओ लंग में प्लूरल इफ्यूजन, प्लूराइटिस, हर्ट में आ जाओ पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, CHF, इशेमिक हार्ट डिजीज, MR, और क्या बताया था मैंने, इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। फिर किडनी में आ जाओ मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी और सेकेंडरी एमाइलोडोसिस हो सकता है। फिर उसके बाद गोनाइड्स में आ जाओ हाइपोगोनाडिज्म, ईस्ट्रोजन कम हो जाएगा। उसके बाद स्किन में लिबिडो रेटिकुलरिस, दैट इज फिश लाइक नेट लाइक पैटर्न, एंड यू विल गेट PUN, दैट इज परप्यूरा, अल्सर्स एंड नोड्यूल्स, ठीक है ना। बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस दिखेगा। अभी रोमेटिक नोड्यूल्स क्या होता है, रोमेटिक नोड्यूल्स आर बेसिकली नथिंग बट नॉन टेंडर ऑन एक्सटेंसर सर्फेस, कुछ नोड्यूल्स हो जाते हैं जो कि नॉन टेंडर होते हैं एक्सटेंसर सर्फेस पे। मान ली ये एक्सटेंसर सर्फेस है, ये मेरी एल्बो है, एक्सटेंसर सर्फेस पे कोई नोड्यूल, नॉन टेंडर नोड्यूल हो जाए, राइट, तो उस पर क्या होगा, अपने को बेसिकली क्या होगा, नॉन टेंडर मतलब नॉन टेंडर ऑन एक्सटेंसर सर्फेस पे है, ठीक है ना, बिकॉज एक्सटेंसर सर्फेस पे है। लंग, स्किन, न्यूरोनल पे भी ये नोड्यूल्स आ सकते हैं, ठीक है ना, एक्सटेंसर सर्फेस के लंग, स्किन, न्यूरोनल के मतलब आ सकते हैं, नॉन टेंडर ऑन एक्सटेंसर सर्फेस, लंग, स्किन, न्यूरोनल, ठीक है। पैथोलॉजी क्या होगी, साइनोवियल इन्फ्लेमेशन होगा, पैनस जो कि इरोजन कार्टिलेज बनाएगा और फोकल डैमेज करा सकता है। साइनोवियल इन्फ्लेमेशन बेसिकली जो है फोकल बोन डैमेज कराए, मतलब कि एक फोकाई ऑफ बोन को डैमेज करेगा, ठीक है। फोकल साइनोवियल इन्फ्लेमेशन बेसिकली फोकल बोन डैमेज कराएगा, और पैनस दैट इज इरोजन कार्टिलेज, पैनस बेसिकली पैनस करा सकता है, दैट इज इरोजन कार्टिलेज एंड साइनोवियल इन्फ्लेमेशन। देखो साइनोवियल इन्फ्लेमेशन में दो चीज़ें होती है, पैनस मतलब इरोजन इरोजन कार्टिलेज, एंड वी कैन गो अबाउट विथ क्या, फोकल बोन डैमेज, पैनस मतलब इरोजन ऑफ कार्टिलेज, और ठीक है, और फोकल बोन डैमेज करा सकता है, ठीक है ना। तो आई गेस थोड़ा सा मैं स्लिप किया था, थोड़ा माइंड में स्लिप कर गया था, दिस इज समथिंग रीजन, राइट। तो देखते हैं वर्कअप, देखते हैं इसका, हाँ वर्कअप देखते हैं। MRI में साइनोवाइटिस, जॉइंट डिफ्यूजन, वैसे सो लेना चाहिए, ठीक है ना, सोने से थोड़ा सा तुम्हारा माइंड अच्छा काम करता है, नहीं सोते हो तो फिर यही हरकतें होती है, ठीक है ना, कभी कभी यू गॉट टू अबाउट टू, हाँ तुम थोड़े चीज़ समय के लिए चीज़ें वो हो जाती है, ब्लैकआउट हो जाती है, राइट। तो नहीं करना है, सोना अच्छे से, ठीक है ना,
सोना, अच्छे से सोना तुम लोग बढ़िया से, ठीक है। वर्कअप देखो, वर्कअप में क्या होता है, एमआरआई में साइनोवाइटिस होगा, जॉइंट डिफ्यूजन होगा, मैरोइडीमा होगा। एमआरआई बेसिकली क्या करता है, सॉफ्ट टिश्यू को दिखाता है कि हाँ सॉफ्ट टिश्यू कैसा है अपना। तो साइनोवाइटिस अगर इन्फ्लेमेशन हुआ ऑफ द जॉइंट्स तो साइनोवाइटिस हो जाएगा, जॉइंट का इन्फ्यूजन होगा, इफ्यूजन मतलब कि वहाँ पे जो जितने भी इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ गए तो वहाँ पे इफ्यूज कर गए, इफ्यूजन हो जाएगा, मैरो का एडीमा हो जाएगा ऑब्वियसली, राइट। रूमेटॉइड फैक्टर्स तुम देख लोगे, IgM एंटीबॉडी तुम देखोगे, मोस्ट स्पेसिफिक anti-CCP एंटीबॉडी जो कि तुम कहते हो, साइटिलिन सिट्रुलिन, साइक्लिन सिट्रुलिन पेप्टाइड जो कि कहते हो तुम, वो वहाँ पे आ जाएंगी, मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती है anti-CCP एंटीबॉडी। रूमेटॉइड फैक्टर जो होता है IgM एंटीबॉडी का होता है, राइट। और साइनोवियल फ्लूइड में सेल्स जो है बढ़ जाएंगे बिकॉज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली सेल बढ़ेंगे। एक्सरे ऑफ जॉइंट में जॉइंट स्पेस डिक्रीज कर जाएगा, पेरी आर्टिकुलर इरोजन दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात रही पैथोलॉजी, देखो एक बार पैथोलॉजी फिर से समझ लो। पैथोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, एक पैनस होता है, एक फोकल बोन डैमेज होगा, पैनस मतलब इरोजन ऑफ कार्टिलेज हो जाएगा, ठीक है ना। रूमेटिक नोड्यूल क्या है, नॉन टेंडर ऑन एक्सटर्नल सर्फेस जो कि लंग स्किन और न्यूरोनल के कारण से हो सकते हैं, राइट। मैनेजमेंट में क्या करोगे, मैनेजमेंट में जानते ही हो यार, बेसिकली डीमार्ट देते हैं, डीमार्ट का सबसे ज्यादा रोल है, लेकिन उसके साथ साथ क्या सकते हो, एनसीड्स दे सकते हो, गिवन बिफोर बट नॉट नाउ डेज। अभी एनसीड्स नहीं देते क्योंकि क्रोनिक एनसीड्स के यूजेस बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है ना, पेप्टिक अल्सरेशन, ठीक है ना, बहुत चीज़ें करा सकते हो, तो इसलिए नहीं करते थे अभी आज के केसेस में रूमेटिक आर्थराइटिस के लिए, बिकॉज इट्स अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज और ज़्यादा लंबे समय के लिए एनसीड्स देना ऑब्वियसली खराब बात है, राइट। रेस्ट और फिजियोथेरेपी करा दो कि हाँ बंदे को, कि उसको कहो कि यार आप रेस्ट कर लो, या फिजियोथेरेपी की आपको ज़रूरत है, ठीक है ना, आप फिजियोथेरेपी ले लो, ठीक है। तो ये चीज़ें उनको एडवाइस करेंगे। डीमार्ट्स दे देंगे, डिजीज मॉडिफाइड एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स जो कि इंपॉर्टेंट है, ये जानना चाहिए तुम्हें डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग के बारे में, जिसके बारे में अभी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, एक प्रॉपर इसके ऊपर चैप्टर है क्योंकि शॉर्ट नोट आता है तो बात करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। डीमार्ट्स में भी ट्रिपल थेरेपी देते हैं जैसे कि मीथोट्रेक्सेट, MSH की ये देखते हैं, MSH देते हैं, ठीक है ना, मीथोट्रेक्सेट, सल्फासलाजीन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं, और मीथोट्रेक्सेट प्लस बायोलॉजिक्स में, बायोलॉजिक्स में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती हैं जो कि होती हैं पोर्टोलीजुमैब, अबाटासेप, रिटोक्सीमैब, टोसिलीजुमैब, ये सब जानते ही हो तुम, ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं, टोसिलीमैब, रिटोक्सीमैब, अबाटासेप, कोटिलीजुमैब, ये सब होते हैं। इसके अलावा एक और रेजिमेन है मीथोट्रेक्सेट प्लस टोफासिटिनिब जो कि जाक्री इनहिबिटर होता है, टोफासिटिनिब, ठीक है ना। तो एक जगह तुमने पढ़ा होगा इमाटिनिब, सुनीटिनिब, ठीक है ना, तो एक जगह वो देते हैं जैसे जिस्ट के केसेस में तुमने इमाटिनिब से ट्रायल किया कि हाँ अगर पेसमेकर, गैस्ट्रिक पेसमेकर सेल है तो वहाँ पे इमाटिनिब या सुनीटिनिब से तुम देख सकते हो कि हाँ उसका क्या रिस्पॉन्स है या नहीं रिस्पॉन्स है, ठीक है। स्टेरॉइड्स को अभी यूज़ नहीं करते हम लोग, ठीक है ना, स्टेरॉइड्स आर नॉट यूज नाउअडेज, राइट। तो एक चीज़ पूछा जाता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस और रोमैटिक डिजीज में अंतर, ठीक है ना। तो बेसिकली रूमेटॉइड अर्थराइटिस 40 से 50 साल में होता है, रोमैटिक डिजीज जो है 5 से 15 साल में होता है। ऑनसेट क्या होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस का, ये क्रॉनिक होता है, ये एक्यूट होता है रोमैटिक डिजीज, ठीक। जॉइंट इफेक्टेड स्मॉल जॉइंट और रोमैटिक डिजीज में लार्ज जॉइंट इफेक्टेड, सिमेट्री होती है इसमें नहीं होती, पेन नॉन माइग्रेटरी यहाँ पे माइग्रेटरी, ठीक है, रोमैटिक डिजीज में। डायर्नल वेरिएशन, स्टिफनेस इंक्रीज इन मॉर्निंग, ऐसा कोई डायर्नल वेरिएशन नहीं है। फीवर लो ग्रेड होगा, इसमें हाई ग्रेड होगा। रूमेटॉइड फैक्टर प्रेजेंट, यहाँ पे एबसेंट होगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलाइसिलेट स्लो है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है, रिस्पॉन्स टू सेलाइसिलेट तो स्लो होगा, विद इन 12 to 24 आवर्स में रिस्पॉन्स आ जाएगा। एक्सरे एबनॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल रहेगा। जॉइंट स्वान नेक डिफॉर्मिटी रहेगा, माइल्ड डिफॉर्म्ड मेटाकार्पो फ्लेंजल जॉइंट यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी रोमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, उम्मीद है तुम्हें समझ में होगा। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।